Hello friends, welcome to my channel Brief Concepts. Today we will learn about monistic or Austin's theory of sovereignty. Monistic theory ko Austin's theory of sovereignty bhi kehte hain. So let's get started. Now let's see what is the monistic theory or Austin's theory. ठीक है? ऑस्टिन थ्योरी को मोनास्टिक थ्योरी भी कहा जाता है. जॉन ऑस्टिन 1719 से 1859 तक एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे और वो फाउंडर थे एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के. उसने ये थ्योरी अपने बुक द ज्यूरिसप्रूडेंस में दी थी. ठीक है, जो इसने 1832 में लिखी थी. ठीक है, ऑस्टिन, अब देखते हैं ऑस्टिन ने ला पे क्या कहा. Law is a command given by a superior to an inferior. Austin क्या कहते हैं कि law एक command है. कौन दे रहा है? Superior inferior को. जो superior है, जो भी society में एक superior person है, higher level पे superior person ने autonomy उसके पास है, उसके पास power है, वो जो भी command देगा वो law हो जाएगा और वो अपने inferiors को command करेगा. स्टेट एंड सोवरेनिटी इज सुपीरियर एंड पीपल आर इन्फीरियर. ऑस्टिन कह रहे हैं कि स्टेट, रियासत या सोवरेनिटी, इक्तदार आला, वो ही सुपीरियर है और जो पीपल हैं वो इन्फीरियर हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि ऑस्टिन सोवरेनिटी पे क्या कहते हैं. जॉन ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी इज नोन एज डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर. ठीक है, जॉन ऑस्टिन की थ्योरी को डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर भी कहा जाता है, मोनास्टिक थ्योरी भी कहा जाता है. इस थ्योरीज के डिफरेंट नेम्स हैं. अब डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आता कि इसकी मीनिंग क्या है. मैं आपको बताती हूँ कि डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर का मकसद ये है कि एक डेफिनेट पर्सन, डिटर्मिनेंट मीन्स एक डेफिनेट पर्सन जो सब सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सुपीरियर हो, जिसके पास टोटल पावर हो, वो हर तरह से स्ट्रोंग हो, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली स्ट्रोंग हो. ठीक है, वो हर तरह से पावरफुल हो, उसको हम डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर कहते हैं या डेफिनेट पर्सन कहते हैं जो सबसे ज़्यादा ऊपर हो, सुपीरियर हो. ठीक है, जॉन ऑस्टिन स्टेट द सोवरेनिटी शुड बी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ वन सिंगल डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर. ऑस्टिन सेज दैट द डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर इज लीगली प्लेस्ड अबव ऑल. जॉन ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि सोवरेनिटी जो है उसी एक डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर या डेफिनेट पर्सन को के हैंड में दी जा सकती है, सिर्फ उसी पर्सन के. सो क्योंकि सोवरेनिटी इंडिविजिबल है, सोवरेनिटी को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनअलाइनेबल है, इंडिविजिबल है, अनलिमिटेड है. सोवरेनिटी को जॉन ऑस्टिन ने एब्सल्यूट करार दिया. ठीक है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही सुपीरियर पर्सन को दे सकते हैं जो रियासत को चलाएगा. और ऑस्टिन ने ये भी कहा कि वो जो डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर है, जो सोवन पर्सन है, वो सबसे ज़्यादा आला है, ला से भी अबव है. ठीक है, और वो ला वो ही देता है, जो भी कमांड देता है वो ला हो जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वो ला से भी अबव है. ठीक है, अब देखते हैं. इन अ पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट सोसाइटी इफ अ डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस देन ही बिकम्स सोवन अथॉरिटी इन दैट सोसाइटी. अब ये कह रहे हैं कि अगर एक पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट आज़ाद सोसाइटी है और उसमें जो डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर है, मकसद डेफिनेट जो पर्सन है, अगर लोग उसे ओबे करेंगे, ओबीडियंस उसकी करेंगे, उसे ओबे करेंगे, तो वो सोवरन बन जाएगा, वो आज़ाद बन जाएगा, एक सुपीरियर पर्सन बन जाएगा उस सोसाइटी में. ऑस्टिन फर्दर एड्स दैट अदर पीपल इन द सोसाइटी डिपेंड अपॉन हिम. ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि उस सोसाइटी में वो सोवरन होगा और बाकी सब लोग उस पर डिपेंड करेंगे. द रिलेशन बिटवीन हिम एंड अदर पीपल इज ऑफ सोवरन एंड द सब्जेक्ट. उनमें रिलेशन क्या होगा? सोवरन और सब्जेक्ट का. एक किसी भी रियासत में, एक सोवन स्टेट में, कोई भी, जैसे हुकूमत में कोई इदारे आला पे होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, बाकी सब लोग उसे मानते हैं, वो जो भी हमें कहने को लिए कहता है कि हम उसको, उसकी पीपल्स जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, उसको उसके कहने को मानते हैं, तो इसी तरह वो सोवन होगा और हम उसके सब्जेक्ट होंगे. ऑस्टिन सेड दैट ही इज अबव ऑल पीपल एंड कैन डू एनी थिंग ही वांट्स इन द सोसाइटी. ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि वो सोवरन ला से भी अबव होगा, वो हर चीज से अबव होगा, सारे लोगों से जो है वो अबव होगा, और उस सोसाइटी में वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है. ठीक है, उसके पास इतना पावर है. अब फीचर्स ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी के हम फीचर्स देखेंगे कि कौन सी खास या अहम बातें हैं.
एवरी स्टेट हैज़ अ डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर, ये ऑस्टिन कह रहे हैं कि हर स्टेट में एक सुपीरियर पर्सन होता है। द एंटायर सोसाइटी विल फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर, जो जितने सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो सब उस डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर को फॉलो कर दें, जो वो कमांड देगा वो लॉ हो जाएगी। अगर उसकी कमांड को कोई भी वायलेट करेगा तो उसको रिजल्ट में क्या मिलेगा, पनिशमेंट। और सोसाइटी जो है जिसमें डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर है वो एक पॉलिटिकल सोसाइटी है जो इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है और इंडिपेंडेंट है, उसे कोई भी रूल नहीं कर सकता, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो फ्री है। अब ऑस्टिन थ्योरी पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, ज़्यादातर जो क्रिटिसिज्म ऑस्टिन थ्योरी पे किया था वो प्लूरलिस्ट स्कॉलर्स ने किया था। अब ऑस्टिन ने कहा कि मेरी जो है सोवर्न या ह्यूमन डिटर्मिन सुपीरियर एक एब्सल्यूट मोनार्की है, ठीक है, एक अनलिमिटेड मोनार्की जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। ऑस्टिन थ्योरी इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ऑस्टिन की थ्योरी अनडेमोक्रेटिक थी, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के भी खिलाफ थी। वो ज़्यादातर ऐसे लगती थी कि जैसे डिक्टेटरशिप हो, जिसमें डिक्टेटरशिप का रूल हो। जॉन ऑस्टिन थ्योरी ने ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दी सोर्स ऑफ लॉ को, एक ही सोर्स ऑफ लॉ को, वो जो सोवरन है, सोवरन ही सोर्स ऑफ लॉ है, जो वो कमांड देगा वो लॉ होगी। और उसको प्लूरस थिंक स्कॉलर्स ने जो है वो ज़्यादातर क्रिटिसाइज किया है। ओके, तो ये थी ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देट अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।